गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह हो चुकी है। चाय और नाश्ता मैंने कर लिया है, बिस्किट नमकीन वगैरह, लेकिन अभी मैं दोबारा से कॉफ़ी पी रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी कॉफ़ी है, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। ये जो स्टील का ग्लास है, ये मेरा ग्लास है एक्चुअली। मैं शादी से पहले भी इसी में पीती थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा आ जाता है अमाउंट दूध का या चाय का या कॉफ़ी का, और मुझे आदत है कि मैं पूरा फुल भर के पीती हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मेरी कॉफ़ी है, चाय हो, कॉफ़ी हो, दूध हो, व्हाटएवर, मैं इसी में ही पीती हूँ। और तो अभी कॉफ़ी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं स्प्राउट्स खा रही हूँ, जो कि मैंने कल भी दिखाए थे, पर कल वाले में और आज वाले में फ़र्क है थोड़ा। ये वाले मम्मी ने तेल में थोड़े गरम कर दिए हैं, तेल में या घी में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मम्मी ने थोड़े गरम कर दिए हैं। तो ये मैं खा रही हूँ, मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना पड़ेगा पार्लर में, जा रही हूँ क्योंकि कल तीज है। ये राजस्थान में काफ़ी बनाया जाता है, हमारे साइड पे तीज सेलिब्रेट किया जाता है, तो तीज हमारे लिए बड़ा फंक्शन होता है, तो उसके लिए मैं पार्लर जा रही हूँ। थोड़ा बहुत सेल्फ पैम्परिंग भी हो जाएगी और फंक्शन की तैयारी भी हो जाएगी, तो मैं फेशियल लूँगी या हेयर स्पा करवाऊँगी, जो भी मैं करवाऊँगी मैं आपको रिकॉर्डिंग उसकी दिखा दूँगी, मैं उसका वीडियो डाल दूँगी। तो मिलते हैं आपसे पार्लर में, तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, बाय। ये मम्मी पूजा करते हुए, मम्मी ना पहले पूरा साफ़ सफाई करती है, सबके मुँह साफ़ करती है, जो भी देवी देवता होते हैं, फिर उनको टीका लगाती है, फिर उनको प्रसाद खिलाती है चीनी और घी का, और फिर पूजा करती है, दिया और अगरबत्ती जलाती है। तो ये तरीका है मम्मी का, और मम्मी से ना मुझे जले से भी होते हैं, क्योंकि रोज़ नए नए सूट पता नहीं कहाँ से पहन के आ जाती है, इतने तो मेरे पास भी नहीं होते, तो रोज़ इनको नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैं पार्लर जा रही हूँ, मयंक मुझे छोड़कर आ रहा है अब। मेरा हेयर स्पा हो चुका है, अब बालों को ड्राई किया जाएगा। साइमल्टेनियसली मैं वैक्सिंग भी करवा रही हूँ।
और काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेड मसाज हुआ, फेशियल हुआ एंड वैक्सिंग हुई और नेल आर्ट आप देख सकते हैं मेरा। और 3 लड़कियां भी हैं इनके पार्लर में जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मैं उनसे भी मिलवा लेती हूँ। पहले दीदी हाय बोल दो सब। हेलो। तो इनके पार्लर में ज़रूर आना जब भी आप द्वारका आए। ये है नेहा। हेलो। ये है नंदिनी। Hello. और ये है सुनीता। इन्होंने मेरे सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो ये थी मेरी पीच की तैयारी। थैंक यू फॉर योर सर्विस। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे बाद में। बाय एवरीवन। अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं खा रही हूँ राजमा चावल और ये है छाछ। तो खाने के बाद मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो वैसे तो हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, पार्लर में जाकर आ गई हूँ आज। कल मेरी मम्मी जाकर आई थी, मम्मी पहले ही चली गई थी क्योंकि मम्मी यहीं रहती है, फिर मैं यहाँ पर आई तो मैंने पार्लर बुक किया। एक्चुअली पार्लर में क्या है, तीज है, तो तीज का त्यौहार यहाँ पर सब बनाते हैं और बहुत पहले से 10-15 days पहले से सब ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया, बट वो दी मेरे को पहले से जानती थी इसलिए उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। तो आज मेरा भी पार्लर का काम हो गया है सारा, लेकिन अब एक और काम बचा है, वो है मेहंदी लगाना। तो तीज है और तीज पे मेहंदी ना लगाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं और मम्मी जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। पापा ड्यूटी भी जा रहे हैं तो हमें साथ पे छोड़ते हुए जाएंगे। तो ये है मम्मी। तो ये है बब्बी। बब्बी वेयर आर यू गोइंग? मेहंदी लगाने जा रहे हैं हम। मेहंदी लगा रहे हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं आप। तो हम मार्केट में पहुंच गए हैं, वो पापा है, पापा ड्रेस में ही है क्योंकि अभी पापा को ड्यूटी जा रहा है, वो हमें छोड़ कर जाएंगे, और मम्मी है और अब हम ढूंढ रहे हैं कोई मेहंदी वाला, तो मिलेगा तो मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, तब तक के लिए। तो मेहंदी वाले हमें मिल गए हैं, तो मेहंदी वाले हमें मिल गए हैं और अब हम वेट कर रहे हैं हमारी टर्न का, क्योंकि थोड़ी भीड़ हो रही है, कल तीज है इसलिए, तो हम रुकने के बाद मेहंदी लगवाएंगे थोड़ा वेट करने के बाद। आप देख सकते हैं ये क्या है जो आप लगा रहे हो, ये मेहंदी का तेल है, ये मेहंदी का तेल है, पहले ये लगाया जाता है, इससे मेहंदी ज़्यादा अच्छे से रचती है, रंग आता है, हाँ रंग अच्छे से आता है। नहीं, ये अपनी मर्जी से ही लगाएंगे। अच्छी लगाना, तो मैं ज़्यादा देर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि दोनों हाथों में लगनी है, तो दोनों हाथों में लगनी है तो मैं रिकॉर्ड ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर लूँगी।